हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीतल सारस्वत एंड आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशंस इन रिएक्ट की। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने मेरी प्रॉप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके उसको भी एक बार चेक कीजिए, क्योंकि कंपोजिशन क्या है, प्रॉप्स का ही एक एडवांस फेस हमारे सामने आया है। प्रॉप्स में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी उठा के लेके जाते थे। प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टी। सो कंपोजिशन में क्या करते हैं, हम लोग पूरा के पूरा कंटेंट को लेके जाएंगे एक पेरेंट से लेके दूसरे पेरेंट तक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक ब्लैंक index.js फाइल बनाई हुई है एंड इसमें मैं कहां से स्टार्टिंग करूंगी, ये dom.render से। तो ये हमारा वही वाला सिंटेक्स चल रहा है जो कि मैं स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक वेलकम नाम से कंपोनेंट डिफाइन कर दिया है, जिसकी आउटपुट मेरे को कहाँ पे लेके जानी है, document.getElementById एंड आईडी क्या है उसकी, रूट है। तो मेरे को क्या करना है, एक वेलकम नाम से यहाँ पे कंपोनेंट बना लेना है। कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने जस्ट welcome.jsx नाम से फाइल बना दी है। यहाँ पे रिएक्ट का आइकन आ गया है। देन इसको मैं क्या करती हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन कंपोनेंट बना लेती हूँ और इसमें जस्ट मेरे को क्या करने की जरूरत है, वेलकम टेक्स्ट में क्या क्या होता है, हमारे पास में एक हेडर आ जाएगा एंड एक हमारे पास में कंटेंट बॉक्स ले लेती हूँ। तो मैं अभी इसको क्या ले लेती हूँ, एक और यहाँ पे कंटेंट बॉक्स बना लेती हूँ, कंटेंट बॉक्स ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। कंटेंट बॉक्स में मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई कलर डिफाइन कर देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रीन कलर। एंड फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ कंपोनेंट की यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट कर रहे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट में हम लोग कंटेंट भी ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको एज ए कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर मैं अपना सारा कंटेंट यहाँ पे लिख सकती हूँ जो भी मेरे को चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मैं एक हेडर ले लेती हूँ। हेडर में मैंने क्या लिया, एक H1 ले लिया। H1 में आई एम हेडिंग 1 एंड हेडर में मैं थोड़ा स्टाइल ले देती हूँ, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। पैडिंग 10 पिक्सल पैडिंग आई थिंक इट्स एनफ। बैकग्राउंड कलर एक्चुअली ये विजुअल स्टूडियो है तो यहाँ पे मेरे पास में ये सजेशन दिखाता रहता है। मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया है तो आई थिंक इतना ही काफी है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसी को जस्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। मेरे को यहाँ पे डिव बना लेती हूँ मैं, इसको मैंने यहाँ पे एज अ डिव ही बंद किया। H2 की जगह मैं यहाँ पे H4 ले लेती हूँ, तो ये भी मैंने H4 ही लिया। एंड आई एम हेडिंग 1 की जगह मैं लिख देती हूँ आई एम कंटेंट एरिया। ओके फ्रेंड, तो अभी हमने क्या किया, कंटेंट बॉक्स बनाया एंड कंटेंट बॉक्स में हमने दो एलिमेंट बना दिए हैं। फर्स्ट वन इज हेडर एंड सेकंड वन हमारा एक डिव हो गया, जहाँ पे कि हम लोग अपना कंटेंट को एंटर करेंगे। इसका भी मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये दोनों डिफ्रेंशिएट होके हमें दिखेंगे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को नॉर्मल एक कंटेंट बॉक्स नाम से अपना न्यू कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें कि मैं प्रॉप्स को लेके जाऊंगी कलर ग्रीन के साथ में। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने जस्ट यहाँ पे मेरा वेलकम था, अभी मैंने कंटेंट बॉक्स के नाम से JSX एक कंपोनेंट बना दिया है एंड इसको भी मैं फंक्शन कंपोनेंट ही बना सकती हूँ। कंटेंट बॉक्स मैंने लिया, इसमें मेरे को प्रॉप्स लेना मैंडेटरी है क्योंकि मेरे को वहां से कलर गेट करके लेके आना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट क्या करूंगी, यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट भी बना सकती हूँ एंड यहाँ पे मैं डिव भी बना सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक डिव बना देती हूँ यहाँ पे। डिव में वही मैंने एक स्टाइल दे दिया है एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं कलर लेके जा रही हूँ ग्रीन। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं बॉर्डर लिख देती हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल थोड़ा कम हो जाएगा, सॉलिड ग्रीन। ओके, ये मेरे पास क्या है, प्रॉप्स है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्रॉप्स के लिए डॉलर से मैं यूज करूंगी अपनी प्रॉप्स को, डॉलर एंड प्रॉप्स डॉट कलर। एंड ये अभी मेरी स्टाइल बंद नहीं हुई है, यहाँ पे ये मैंने इसको बंद कर दिया। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि ये हम लोग जो CSS यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो हम इसी फॉर्मेट में करें। फर्स्टली हमें क्या प्रॉपर्टी लेनी है, हमें वो लिखना पड़ेगा। देन मेरे को कोलन लगा के जो भी मैं आगे
इसमें वैल्यू पास करूंगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू पास करूंगी, वो मुझे एज ए स्ट्रिंग की तरह ही पास करनी पड़ेगी। एंड उसमें जो भी मैं आगे प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगी, प्रॉपर्टी डिफाइन करने से पहले मेक श्योर कि अगर हम प्रॉपर्टी को एज ए टेक्स्ट की तरह यूज कर रहे हैं, सपोज मेरे को लिखना है यहाँ पे, मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई प्रॉपर्टी ऐसी है मेरे पास में, लाइक प्रॉपर्टी में नेम प्रॉपर्टी ले लेती, तो मेरे को यहाँ पे ये डॉलर लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैं उस प्रॉपर्टी को एज ए वेरिएबल की तरह यूज कर रही हूँ, देन वहां पे हमें डॉलर लगाना जरूरी है। तो मैं इसमें नेक्स्ट वाली अपनी सीएसएस लिखती हूँ, टेक्स्ट लाइन में सेंटर एड कर देती हूँ एंड मैं यहाँ पे कलर एड कर देती हूँ। तो कलर के लिए भी मेरे पास सेम वही हो जाएगा, ये मैंने डॉलर लगा के ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज उठा लेती हूँ, ये मैंने यहाँ पे एड कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को कंटेंट बॉक्स की प्रॉपर्टी चाहिए। तो कंटेंट बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या हो गई, कलर तो मैंने ग्रीन उठा लिया, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये सारा कंटेंट चाहिए। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, जैसा कि अभी मैंने 5 मिनट पहले अभी मैंने इसी सेम वीडियो में बताया हुआ था कि कंपोजिशन क्या होता है, प्रॉपर्टी का प्रॉप्स का एक एडवांस फेस हमारे सामने आया है। मीन्स प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग सिर्फ कलर को यहाँ से यहाँ पे हम लोग ले जाते थे, वो क्या हो गई हमारी प्रॉप्स हो गई ओनली। लेकिन जब उस प्रॉप्स से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट के पूरे पोर्शन को हम लोग लेके जा रहे होते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग लेके जा रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन बोलेंगे। तो वो कंपोजिशन किसके थ्रू आएगा, या तो हमारा ये प्रॉप्स के थ्रू ही रहा है, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या टैग यूज करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग उस प्रॉपर्टी का नाम दे देते थे, यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको चिल्ड्रन यूज करेंगे। तो जस्ट हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, हमें सिर्फ यहाँ पे चिल्ड्रन लिख देना है। फ्रेंड्स मेक श्योर कि हमारे पास में चिल्ड्रन की स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया है, जब तक मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूंगी ये वर्क नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे को यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट भी नहीं किया है, क्योंकि जिस चीज को मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ उसे मेरे को पहले एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो यहाँ पे मैंने वेलकम को इम्पोर्ट किया हुआ है, मेरा प्रोजेक्ट कैसे रन करने वाला है, इंडेक्स में मैंने जाके वेलकम को रन किया, वेलकम सीधा यहाँ पे आ गया एंड वेलकम ने क्या किया हुआ है, कंटेंट बॉक्स को यूज किया हुआ है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, मैंने इसको कंटेंट बॉक्स को यहाँ से कॉपी किया एंड मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर देती हूँ, कंटेंट बॉक्स फ्रॉम कंटेंट बॉक्स। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल गया है, अभी मैं जाके चेक करती हूँ इसकी रिजल्ट को, ये मेरे पास में एरर बता रहा है, कंटेंट बॉक्स डजंट कंटेन ए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके, मींस हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ही हम कोई भी अपना कंपोनेंट बना रहे हैं, जैसे ही हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग ये लाइन को जरूर ऐड कर दें। तो अभी मैं जाके चेक करती हूँ, ये मेरे पास में भी कोई एरर नहीं बता रहा है, मैं यहाँ पे ब्राउजर में आ गई हूँ, मैंने ब्राउजर में रिफ्रेश किया एंड मेरे पास ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में रिजल्ट आ गया है। तो अभी मैं जस्ट इसको इंस्पेक्ट करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरे पास एलिमेंट्स आ गया है, यहाँ पे एक डिव बना हुआ है, ये डिव फ्रेंड्स कौन सा बना हुआ है मेरे पास में, ये डिव बना हुआ है कंटेंट बॉक्स का। तो कंटेंट बॉक्स ने क्या किया, वहां पे बॉर्डर ऐड किया, मैं यहाँ पे चेक करा देती हूँ, कंटेंट बॉक्स ने एक बॉर्डर ऐड किया है 5 पिक्सल का ग्रीन कलर का, एक्स लाइन सेंटर ऐड किया एंड कलर ऐड किया। लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन ऐड किया, किसका प्रॉप्स लेके आया, वो कंटेंट बॉक्स का प्रॉप्स लेके आया। प्रॉप्स यहाँ पे कोई एज ए प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे एक पूरा हमारा कंटेंट जा रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा था, चिल्ड्रन लिखा था एंड उसी डिव के अंदर हमारे पास में हेडर भी आ गया एंड हमारा कंटेंट भी आ गया है। तो फ्रेंड्स ये हुआ ऑल अबाउट कंपोजिशन। तो फ्रेंड्स आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, बिकॉज हम लोग प्रॉप्स पे ऑलरेडी वर्क कर ही चुके हैं एंड ये बिल्कुल सेम एज प्रॉप्स ही है। लेकिन तब भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर सेंड कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, फिर कुछ नया सीखते हैं। ओके, थैंक यू।